वेदों में वर्णित शिव तत्व के रूप में वेद सार स्तोत्र का पाठ करने मात्र से पाठ करने वाले के समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अथ श्री वेद सार शिवस्तव। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद् गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि। विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहनी त्रिनेत्रं सदानन्दमीदे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। शिवाकांत शंभो शशांकाध मौले महेशान सूलिन जटाजूट धारिन त्वमेको जगद व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप। परात्मा एकं जगद् बीज माद्यं निरीहं निराकार मोकार वेद्यं यतो जायते पालते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। तमीशं भजे ग्रीष्मो न शीतो
न देशो न वेशो न यास्यास्ति मूर्ति श्रीमूर्तिं तमीदे सनि सनि पनि पम गमरि स गमरि स गमरि सनि सनि अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमादन्तहीनं प्रपदे परं पावनं द्वैतहीनं प्रपदे परं पावनं द्वैतहीनं प्रपदे परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभु पाड़े विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य शंभो महेश करुणामय शूल पाड़े गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन काशीपते करुणया जगदेत देकह त्वमहंसि पासे विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगत् भवति देव भवस्मरारे त्वयि एव तिष्ठति जगन्मृड् विश्वनाथ त्वयि एव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन इति श्रीमद्शंकराचार्य कृतो वेदसार शिवस्तवः संपूर्णः।